Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आर्य बाहर से आए थे या नहीं, या भारत के निवासी थे, इस सवाल का जवाब मिल गया है। दरअसल हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन सभ्यता के खुदाई में कई राज से पर्दा उठा है। राखीगढ़ी में मिले 5000 साल पुराने कंकालों के अध्ययन के बाद जारी की गई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। यह भी पता चला है कि भारत के लोगों के जीन में पिछले हजारों सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इस रिसर्च में सामने आया है कि आर्यंस भारत के ही मूल निवासी थे। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने राखीगढ़ी में मिले नरकंकालों के अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि यह रिपोर्ट प्राचीन आर्यंस की डीएनए रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है। ऐसे में जाहिर है आर्यों के बाहर से आने की थ्योरी गलत साबित होती है। रिसर्च में यह भी सामने आया कि 9000 साल पहले भारत के लोगों ने ही कृषि की शुरुआत की थी। इसके बाद ये ईरान और इराक होते हुए पूरी दुनिया में पहुंचे। भारत के विकास में यहीं के लोगों का योगदान है। कृषि से लेकर विज्ञान तक यहाँ पर समय समय पर विकास होता रहा। भारतीय पुरातत्व विभाग और जेनेटिक डाटा से इस बात को पूरी दुनिया ने माना। गौरतलब है कि इतिहास सिर्फ लिखित तथ्यों को मानता है, लेकिन वैज्ञानिक सबूतों का ज्यादा महत्व होता है। राखीगढ़ी में मिले 5000 साल पुराने कंकालों के अध्ययन के बाद जारी की गई इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि हड़प्पा सभ्यता में सरस्वती की पूजा होती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर हवन भी हुआ करता था। इसी साल की शुरुआत में हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में कई नई जानकारियां सामने आई। नए मिले तथ्यों और चीजों से अनुमान लगाया जा रहा है कि हड़प्पा काल में प्रेम का विस्तृत संसार था। खुदाई के दौरान एक युगल के कंकाल मिले हैं जिसमें पुरुष अपनी महिला साथी को निहार रहा है। हिसार के राखीगढ़ी में हड़प्पा खुदाई का काम कर रहे पुणे के डेक्कन कॉलेज के पुरातत्वविदों के अनुसार खुदाई के वक्त युवक का मुंह युवती की तरफ था। यह पहली बार है जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान किसी युगल की कब्र मिली है। हैरानी की बात यह है कि अब तक हड़प्पा संबंधित कई कब्रिस्तानों की जांच की गई, लेकिन आज तक किसी भी युगल के इस तरह दफनाए जाने का मामला सामने नहीं आया था। राखीगढ़ी में खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों के अनुसार युगल कंकाल का मुंह, हाथ और पैर सभी एक समान हैं। इससे साफ है कि दोनों को जवानी में एक साथ दफनाया गया था। यह निष्कर्ष हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका एसीबी जर्नल ऑफ एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया था। कंकाल खुदाई और विश्लेषण का कार्य विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग और इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंस सोल नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा किया गया था। इससे पूर्व लोथल में खोजे गए एक हड़प्पा युगल कब्र को माना गया था कि महिला विधवा थी और उसे अपने पति की मौत के बाद दफनाया गया था। पुरातत्वविदों का कहना है कि जिस तरह से युगल के कंकाल राखीगढ़ी में दफन मिले, उससे साफ है कि दोनों के बीच प्रेम था और यह स्नेह उनके मरने के बाद उनके कंकाल में भी नजर आता है। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन लोगों को दफनाया गया था, वो चाहते थे कि दोनों के मरने के बाद भी प्यार बना रहे। उन्होंने कहा कि युगलों के दफनाने का मामला दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में दुर्लभ नहीं है। इसके बावजूद यह अजीब है कि उन्हें अब तक हड़प्पा कब्रिस्तान में नहीं खोजा गया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.